हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल। दिस इज टीचर नरेंद्र एंड वी आर लुकिंग एट चैप्टर नंबर 5 एनालॉजी इन विच वी आर डीलिंग विथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। दिस इज पार्ट 3 ऑफ द सीरीज एनालॉजी। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज वॉच प्रीवियस टू वीडियोज अनलेस एंड अंटिल यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस problems given in this video। ठीक है, so let's go to problems। 14 तक हमने देखे थे। 15 में देखिए, ये जो है वो 2020 में आया था क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन फिगर सेकंड क्वेश्चन फिगर को रिलेट करिए, उसमें क्या रिलेशनशिप है। इसमें जो दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है फिगर का, वो उल्टा हो गया है। तो इसी प्रकार से आपको देखना है थर्ड में जो ऊपर वाला पार्ट है वो उल्टा किस फिगर में दिखाया है, वो सी में दिखाया है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 16, यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर है, तो सेकंड में 2 डिजिट नंबर आया। अब इसका रिलेशन इसके साथ बनाना है, क्योंकि आंसर फिगर में देखिए 3 जगह पे 2 डिजिट नंबर है और एक ही 1 डिजिट नंबर है, इसलिए 7 और यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट बैठता है। 17 देखिए, यहाँ पे 3 साइड्स है। 3 साइड्स क्या बनी है, 3 साइड्स क्या कैसे आई है, 3 साइड्स जो है ये एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गई है, रोटेट हो गई है। ठीक है, मतलब 180 डिग्री रोटेट हो गई है। तो इसी के हिसाब से ये भी जो है ये रोटेट हो जाएगी 180 डिग्री, और 180 डिग्री रोटेट होने के बाद इसका जो आंसर आएगा, आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि इस बाजू में क्या दिया है, लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपको इस बाजू में हॉरिजॉन्टल लाइन देखना है, और ये जो ट्रायंगल आएगा बीच वाला, उसका किस साइड, मतलब कौन से बाजू से एंगल कौन सा ऊपर है या नीचे है, ये देखना है। तो सी में आपको करेक्ट दिखाया है। 18 देखिए, बी फर्स्ट फिगर में, सेकंड फिगर में बी एज इट इज, और उसके साथ बी जो है वो मिरर इमेज है। तो इसी हिसाब से ई जो है वो सीधा आएगा, और उसका मिरर इमेज वो ऑप्शन ई में आपको दिखाया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 19, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा फिगर है, लाइंस है जो कि टच नहीं हुई है। सेकंड में ये दोनों लाइनें टच हुई है दो साइड्स को, तो इसी हिसाब से ये जो प्लस का साइन है, ये लाइन पूरी टच हो जाएगी चारों साइड को, तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। 20 देखिए, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल रेक्टेंगल, तो जो सबसे बाहरी वाली आकृति है फिगर है वो सबसे अंदर आ गई है सेकंड में, और उसके बाद में ट्रायंगल है और सबसे बाहर स्क्वायर है। तो इसी हिसाब से जो है ट्रायंगल सबसे अंदर आ जाएगा, उसके ट्रायंगल सबसे अंदर आने के बाद उसके बाहर क्या आएगा, ये स्क्वायर आएगा, और उसके बाहर ये सर्कल आएगा। तो सर्कल स्क्वायर और ट्रायंगल ये ऑप्शन डी में दिखाया है। इस हिसाब से आपको जाना है एनालॉजी, इस चैप्टर को डील करना है। 21 देखिए, ये जो सिंबल या फिगर है ये 90 डिग्री रोटेट हुई है क्लॉकवाइज सेकंड में, तो इसी हिसाब से ये भी 90 डिग्री रोटेट होगी क्लॉकवाइज फोर्थ में, तो ये ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ 22 देखिए, 22 क्वेश्चन में ये जो है ये इसका सेकंड में जो है इसका कौन सा इमेज है, वाटर इमेज दिखाया है। ठीक है, कौन सा इमेज है, वाटर इमेज है, तो आपको इसका वाटर इमेज यहाँ से चूज करना है। इसका वाटर इमेज आपको बी में दिखाई देता है जो करेक्ट वाटर इमेज है, इसलिए बी आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद 23 देखिए, ये जो छोटा सा पार्ट है सर्कल का, मतलब ये एम्प्टी सर्कल है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ, राइट लेफ्ट से राइट हो गया है। ठीक है, इसी हिसाब से ये अभी यहाँ पे लेफ्ट में है, तो ये राइट में जाएगा, तो ऑप्शन बी है जो करेक्ट दिखाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 24 देखिए, ये जो अंदर क्रॉस का साइन है, एक चार लाइनें हैं, ठीक है, एक दूसरे से सटी हुई, और सर्कल है उसके ऊपर, ये चारों लाइनों के हिसाब से ये चार साइड का ट्रायंगल आ गया है, वो अंदर के जो लाइनें हैं उसका एक छोटा सा अलग फिगर बना है। ये तो बीच में 6 लाइनें हैं, तो 6 लाइनों के ये ऐसे फिगर बन जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा बी जो है वो करेक्ट आंसर है, और उसके हिसाब से ये 4 है तो ये 4 साइड का ट्रायंगल, तो 6 है तो 6 साइड का
एक ऊपर वाली फिगर बन जाएगी। ये यहाँ पे कितने हैं, दो है, दो चार और ये दो छः, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 25 देखें, यहाँ पे बाहर ट्राइंग स्क्वायर है, अंदर ट्राइंगल है, ये फोर साइड थ्री साइड टोटल हो गए सेवन साइड, ठीक है। तो सेवन साइड मिला के ये वाली फिगर बनती है सेकंड क्वेश्चन फिगर, 1 2 3 4 5 6 और 7, उस हिसाब से थर्ड और फोर्थ में रिलेशनशिप है। तो देखिए फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल दोनों मिला के थ्री थ्री साइड्स टोटल होते हैं छह साइड, छह साइड वाला फिगर आपको यहाँ से ढूंढना है। छह साइड वाला फिगर आपको ऑप्शन ए में मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट साइड, करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फिगर। 26 देखते हैं, यहाँ पे एक खाली स्क्वेयर है, सेकंड में खाली स्क्वेयर को एक क्रॉस जो सिंबल है उससे भर दिया है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे फोर साइड जो है फोर साइड को दो लाइनों में विभाजित किया, मतलब इसको उन सभी एंगलों में एंगलों से दिखाया, लाइन डाल दी है। तो यहाँ पे जो भी जहां से भी कॉर्नर है, जो भी एंगल है या कॉर्नर है, उन सभी कॉर्नरों से हमें लाइनें खींचना है दूसरे कॉर्नरों तक, तो ये आपको ए में दिखता है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। इसी हिसाब से 27 देख लेते हैं, ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन फिगर और सेकंड क्वेश्चन फिगर, इसमें क्या रिलेशनशिप है देखिए। इसमें आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करते वक्त आपको नजर आएगा कि ये सेकंड क्वेश्चन फिगर इसकी मिरर इमेज है फर्स्ट क्वेश्चन फिगर की, तो इस हिसाब से इसकी मिरर इमेज आपको आंसर फिगर से ढूंढना पड़ेगा। तो आंसर फिगर में इसकी मिरर इमेज ऑप्शन ए में मिलती है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 में जो है ये एक दूसरे सिंबल, ये दो सिंबल है, ये सिंबल फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में सेकंड क्वेश्चन फिगर में अपना साइड क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, दे आर रिप्लेसिंग ईच अदर, तो इस हिसाब से ये भी अपना साइड मतलब चेंज करेंगे, ठीक है। दे विल ऑल्सो रिप्लेस देयर प्लेस, तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन आएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन, यस ऑप्शन आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उस हिसाब से 29 देख लेते हैं, यहाँ पे ये एक फिगर है, मतलब एक फिगर है, सिंबल की तरह फिगर दिख रहा है, और ये इसके अंदर जो है ना ये साइड यहाँ पे आई सेकंड फिगर में, इसी हिसाब से ये इसके अंदर वाला ये क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल मतलब उल्टा ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल कहाँ पे दिखाया, बी में, बी इज द करेक्ट आंसर। इस हिसाब से आपको दो पहले सेट में जो पहले फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन फिगर इसमें क्या रिलेशनशिप है उसके अंदाज लेके आपको थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशनशिप है ये फाइंड आउट करना पड़ता है, और उस हिसाब से आंसर फिगर में से फिगर चूज करनी पड़ती है। 30 देखिए, 30 क्वेश्चन फिगर देखिए, ये जो हुई ये क्वेश्चन फिगर रोटेट हुई है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेकंड में, तो इसी हिसाब से ये वाला फिगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और ये जो रेशाएं है ये रेशाएं ऊपर के दूसरी वाली फिगर में चली जाएंगी, इस हिसाब से ये सर्कल क्या हो जाएगा, इधर एम्प्टी आ जाएगा सर्कल, और ये ट्राइंगल ऐसा उसके ऊपर नीचे ऊपर आ जाएगा, और ये जो रेशाएं है ये रेशाएं बिल्कुल ऐसे आ जाएगी, तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, ऑप्शन ए में मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ देखिए 31 क्वेश्चन, इसमें ये सभी जो फिगर्स है ये अलग अलग है, अब ये देखना है इसका साइज किस तरीके से, ये इनर फिगर और आउटर फिगर आई है, इस तरीके से ये सबसे बाहर आई है सर्कल, उसके अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सबसे अंदर ट्राइंगल, इसी हिसाब से आपको यहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे सबसे बाहर क्या आएगा एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर आएगा एक सर्कल, सर्कल के अंदर क्या आएगा एक प्लस का साइन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 32 देखते हैं, यहाँ पे ये जो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशनशिप देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिगर है ये फर्स्ट का मिरर इमेज है, ठीक है, इसी हिसाब से आपको मतलब एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे है ना, मतलब राइट का जो पोर्शन है वो लेफ्ट में गया, लेफ्ट का पोर्शन राइट में आ गया, इसी हिसाब से इसका मिरर इमेज आंसर फिगर में चूज करिए जो यहाँ पे फिट।